मैं हूं अनिल राजवर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोहरे का कहर, आपस में टकराई 30 से 35 गाड़ियां, लगा रहा घंटों ट्रैफिक जाम, कई लोग हुए घायल। दरअसल ये पूरा मामला मेरठ गाजियाबाद का बताया जा रहा है, जहां कोहरे की वजह से भयानक सड़क दुर्घटना हुआ है, जिसमें 30 से 35 गाड़ियां आपस में एक के बाद एक टकरा गई, जिसके वजह से कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपस में टक्कर होने के बाद लोगों के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर करीब 3 किलोमीटर क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। हादसे की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी शैलेश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों को क्रेन की मदद से हटाया गया और यातायात शुरू किया गया। ये हादसा आज सुबह करीब 8 बजे मसूरी रेस्ट एरिया के पास हुआ था। बताया जा रहा है सुबह मौसम एकदम साफ था, अचानक आए कोहरे की वजह से गाड़ियों के ब्रेक लगना शुरू हो गया, जिसके बाद मेरठ से गाजियाबाद जाने वाले लेन पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस पूरे घटना के बारे में ट्रैफिक विभाग के ADCP ने क्या बताया, हम आपको सुनाते हैं। सर, क्या घटनाक्रम रहा इसमें? ये सुबह यहाँ पर हाईवे पर काफ़ी कोहरा था, कोहरा कारण गाड़ियाँ स्लो चल रही थी। सामने से आगे से एक कार जा रही थी, कार वाले ने कोहरा के अचानक कोहरा पड़ने से उसमें ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद एक छोटा सा कैंटर जा रहा था, कैंटर वाले ने अचानक जब ब्रेक लगाया तो उसके पीछे एक ट्रेलर जा रहा था, ट्रेलर वाले ने कैंटर वाले के पीछे से टक्कर मारा और लेफ्ट साइड से आगे निकल गया। उसके पीछे एक और आयल का टैंकर जा रहा था, उसने इसमें टक्कर हुआ और टक्कर के बाद उसकी गाड़ियाँ रुकती गई, पीछे से जो भी गाड़ी आती उसमें फिर टक्कर लगा। कितनी गाड़ियाँ आई? कुल लगभग अब तक 35 गाड़ियों को घायल तो कोई नहीं है, लेकिन विशेषकर जो जो आगे जो कैंटर चल रहा था उसने जैसे उसकी टक्कर उसकी गाड़ी उतर के देखने लगा तो उसको थोड़ी चोट है और उसको अस्पताल एडमिट कराया गया है।